मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सद्गुरु कबीर एक ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी बातें परख कर तर्क की कसौटी पर कस करके कही है। वे कहां पैदा हुए किसी को मालूम नहीं। लहर तारा तालाब पर नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने उन्हें एक अबोध शिशु के रूप में पाया और वे उन्हें उठा ले आए, पालन पोषण किए। गरीब झोपड़पट्टियों के बीच उनका पालन पोषण हुआ। पढ़ने लिखने की उन्हें क्या सुविधा मिली कहा नहीं जा सकता। उस जमाने में गरीबों के बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी और जिन्हें छोटी जाति का कहा जाता उनके लिए तो पढ़ने पर ही प्रतिबंध था, वे पढ़ ही नहीं सकते थे। समाज से उन्हें कोई बड़ा सहयोग नहीं मिला, उनके पीछे कोई परंपरा नहीं थी, उनका अपना कोई ईश्वरीय ग्रंथ नहीं था, उनका अपना कोई एक महापुरुष नहीं था। बाहरी दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से वे हर प्रकार से अकिंचन थे, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वे हर प्रकार से संपन्न थे। अखंड आत्मविश्वास, अखंड साहस, अपने ज्ञान पर पूरा का पूरा विश्वास उन्हें था और इसलिए काशी जो विद्वानों की, पंडितों की नगरी है, वहां वे चौराहे पर खड़े होकर निष्पक्षता पूर्वक अपनी बात कहते रहे, कोई उनका बाल बांका न कर सका। उनके पास केवल उनका सत्य था, उन्होंने सत्य कहा और सत्य को जिया, उसका संदेश दिया। और धीरे धीरे वे उत्तरोत्तर चमकते चले गए, उनकी वाणी आज भी विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। इसका कारण है उनकी निष्पक्षता। हम कहीं भी पक्षपात करेंगे तो पूरा का पूरा सत्य नहीं कह सकेंगे। पूरा सत्य कहने के लिए सब तरफ से निष्पक्ष होना होगा। इसलिए वे कहते भी हैं, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। मैं तो जलती हुई मसाल लेकर चौराहे पर खड़ा हुआ हूं, जो मेरे साथ चलना चाहे, मेरा शिष्य और अनुगामी बनना चाहे, वह भी अपने हाथ से अपने घर को फूंक दे तब मेरे साथ चलेगा। तो यहां कबीर साहब शर्त देते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हो तो पहले अपने घर को फूंक आओ। लेकिन समझना यह होगा, जिस घर को वे फूंकने को कहते हैं वो कौन सा घर? वो घर ये नहीं है जिस घर में आप रहते हैं, उसकी तो जरूरत है विश्राम करने के लिए, ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए, शरीर रक्षा के लिए उसकी जरूरत है। उस घर को फूंकने की आवश्यकता नहीं है। तब किस घर को फूंकना है?
हमारे भीतर जो अहंकार का घर है, मोह माया का घर है, पक्षपात का घर है, राग द्वेष का घर है, इस घर को फूंकना होगा। राग द्वेष बनाकर, अहंकार बनाकर, मन में मोह माया रखकर कोई भक्ति के पथ पर, ज्ञान के पथ पर चल नहीं सकता। भक्ति और माया, भक्ति और अहंकार दोनों साथ साथ कैसे रह सकते हैं? एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना न कान। साहब कहते हैं एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी? एक म्यान में कितनी तलवार रहेगी? या तो मन में अहंकार रहेगा या भक्ति रहेगी। अहंकार और भक्ति साथ साथ कैसे चलेंगे दोनों? ज्ञान और माया साथ साथ दोनों कैसे चलेंगे? इसलिए अपने अंदर का जो घर है, अहंकार का घर, राग द्वेष का घर, इस घर को फूंकना होगा, तभी हम कल्याण के पथ पर, भक्ति के पथ पर चल सकते हैं। भक्ति की महिमा में सद्गुरु कबीर ने कहा है, अरब खरब ले दर्ब है, उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले इसव कौने काज। अरबों खरबों की संपत्ति हो, जहां सूरज उदित होता है वहां से लेकर जहां अस्त होता है अर्थात पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य हो, तो इतनी संपत्ति भी भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती। तब ये किस काम के? जीवन में असली धन कौन धन है? जो धन हम आप जानते हैं, रुपये पैसे, ये सब केवल जीवन गुजर के लिए है। इनसे शांति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं मिलेगा। और यह धन तो आता है, चला जाता है। असली धन कौन है? राम धन। कोई कह सकता भाई कि नहीं, मैं तो राम धन को नहीं मानता। तो साहब कहते हैं ठीक है, आप राम धन ना कहो, रहीम धन कह लो उसको। राम और रहीम तो केवल शब्द है, किसी को राम कहने में आपत्ति है तो रहीम कहे, किसी को रहीम कहने में आपत्ति तो राम कहे। शब्द बदलने से तथ्य थोड़े बदलता है। आप पानी नहीं पीना चाहते तो जल पी लीजिए, जल भी नहीं पीना चाहते तो वाटर पिए, चीज तो वही है। हम लोग शब्दों को लेकर के झगड़ते हैं, एक ने ईश्वर कहा, एक ने अल्लाह कहा, एक ने परमात्मा कहा, एक ने खुदा कहा, एक ने राम कहा, एक ने रहीम कहा, एक ने केशव कहा, एक ने करीम कहा, और लड़ गए। जबकि राम और रहीम का, अल्लाह और परमात्मा का अर्थ एक ही होता है। भाषाएं हैं, शब्द हैं, अलग अलग। इले साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कह कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना ये कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े वे कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। मिट्टी तो वही है, बर्तन अलग अलग बन जाता है, नाम अलग अलग हो जाता है,
लेकिन मिट्टी में फर्क थोड़ा है। ऐसे ही राम और रहीम में कौन फर्क है, हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क है, केवल नाम का फर्क है तो दोनों आदमी। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इन पंच तत्वों से हिंदुओं का शरीर बना है, तो मुसलमानों शरीर किन तत्वों से बना है? कहीं आकाश से आया, कहीं बाहर से आया कोई तत्व और दूसरा, उनके शरीर में कौन से तत्व लगे हुए हैं? हिंदुओं के शरीर में लाल रंग का खून होता है, और मुसलमानों के शरीर में उनका खून सफेद होता है कि काला होता है? वहां भी तो लाल रंग का है। आप एक हिंदू जिसे आप कहते हैं उसके शरीर से खून निकाल ले, एक मुसलमान के शरीर से खून निकाल ले, एक ब्राह्मण जिसे आप कहते हैं उसके शरीर से खून निकाल ले, और एक जिसे आप शूद्र कहते हैं, निम्न जाति का कहते हैं, उसके शरीर से खून निकाल ले, और चारों खून को ले जाइए डॉक्टर पास, कहिए डॉक्टर साहब ये खून का जांच करिए, बताइए इसमें कौन हिंदू का है कौन मुसलमान का, बताएगा डॉक्टर? कोई नहीं बता सकता है। ये तो हमने शब्द बना लिया है और इनको लेकर के लड़ते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते आपको सड़क पर या सड़क के किनारे चबूतरे पर एक छोटा शिशु मिला, महीना दो महीने का शिशु, बिल्कुल अबोध, और उसके पास कोई दूसरा आदमी नहीं है, वो शिशु अकेला है। उस छोटे से शिशु को देखकर क्या आप गारंटी पूर्वक ये कह सकोगे कि ये हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है, शूद्र का बच्चा है कि ब्राह्मण का बच्चा है, कुर्मी का बच्चा है, तेली का बच्चा है, यादव का बच्चा है कि पटेल का बच्चा है, कि नाई का बच्चा है कि धोबी का बच्चा है? कह सकोगे? गारंटी कोई नहीं उनके पास। अब वो शिशु है महीना भर का, कुछ नहीं कह सकते आप, लेकिन गारंटी पूर्वक कह सकते हो आदमी का बच्चा है, उसको पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आदमी बच्चे को पहचानने एक तरफ। लेकिन हम आदमी को आदमी के रूप में नहीं पहचानते हैं, आदमी को जाति के रूप में पहचानते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं किसी के मस्तक पर कोई पेट लगा है क्या कि अमुक अमुक जाति का, अमुक अमुक जाति का है? लेकिन आदमियत छोटी हो गई और जाति बड़ी हो गई। साहब कहते हैं आदमी का मूल्यांकन जाति के आधार पर मत करो, सारी जाति आदमियों की बनाई हुई है। आज की जितनी जातियां हैं हमारे देश में, सैकड़ों हजारों जातियां हैं, लेकिन आज की जितनी जातियां हैं 2500-3000 साल पहले इनमें से एक भी जाति का पता नहीं था। वेद में आज की किसी भी जाति का पता नहीं है, उपनिषद में किसी जाति का पता नहीं है, शास्त्रों में चार वे छह सात जिसे आप कहते हैं उनमें आज की किसी जाति का पता नहीं है, महाकाव्यों में भी नहीं है। पहले की जाति अलग थे, राक्षस, दैत्य, दानव, पिशाच, गंधर्व, बानर, रीच, पनी, गीध, ये पहले के जाति, नाग, ये पहले के जाति थे। नाग का मतलब सांप नहीं है, नाग का मतलब है नाग जाति का मनुष्य। आज भी बंगाल में बहुत से लोग अपने सरनेम में नाग लिखते हैं, अमुक नाग, तो सांप थोड़े है वो, नाग उनका सरनेम है बस। ऐसे पहले नाग जाति के लोग होते थे, राक्षस गंधर्व जाति के लोग होते थे, आज की जातियां नहीं, ये तो बदलते रहते हैं। इसलिए जाति को महत्व मत दो। ठीक है आप अपना संगठन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं अपना संगठन बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, संगठन बनाएं,
लेकिन वो संगठन दूसरों से लड़ने के लिए नहीं, दूसरों को पछाड़ने के लिए नहीं, किंतु अपनी उन्नति के लिए बनाए। मैं ये कह रहा था, बात हमारी यहां से शुरू हुई थी कि असली धन कौन धन है। असली धन है राम धन, उसको कोई राम धन ना कहना चाहे तो रहीम धन कह ले। और ये ऐसा धन है जो कभी खोता नहीं है, इस धन को कोई लूट नहीं सकता। मीराबाई का एक भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन रहत सवा दिन दिन बढ़त सवायो। राम रतन धन असली धन है और उस धन का हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम कंगाल बन करके भटक रहे हैं, दरिद्र बन करके भटक रहे हैं। मूल रूप में आप राम हैं, राम रूप हैं, आप दीनहीन नहीं हैं, आप लाचार नहीं, आप तुच्छ नहीं हैं, आप महान हैं। अपनी महानता को पहचानते नहीं हैं, इसलिए दुखी और दरिद्र बन करके भटक रहे हैं। जैसे कोई सम्राट, उसकी बुद्धि में फर्क हो जाए और सम्राट भ्रमवश घूर में जाकर के दाना बिन करके खाने लग जाए तो लोगों को आश्चर्य होगा। सम्राट जो हजारों लाखों को खिला सकता है, वह गली में घूर में कचड़े में पड़े हुए दाने को बिन बिन करके खा रहा है, कितना दुर्भाग्य। ऐसे ही मूल रूप में आप और हम सम्राट हैं, लेकिन उसका हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए दर दर भटक रहे हैं। जिस परमात्मा को, जिस मोक्ष को, जिस खुदा को, अल्लाह को, गाड को, जिस सुख को, शांति को हम और आप खोज रहे हैं बाहर, वो बाहर कहीं नहीं है, वो आपके भीतर है, आपके अंदर वो बैठा हुआ है। जानते नहीं हैं, भ्रम में पड़ गए हैं, इसलिए भटकते। साहब ने कहा है, जय खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। जिस परम तत्व को खोजते खोजते, जिस परमात्मा को खोजते खोजते, कल्पों का अनादिकाल का समय बीत गया, वह परमात्मा तत्व, भगवान तत्व तो घट ही के अंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है दोहावली में, घट ही में सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। गोस्वामी जी का संसार के लोगों को मोतिया बिंद हो गया है। अब मोतिया बिंद होता जानते हैं, सुझाई पड़ता नहीं है, घट में ही परमात्मा बैठा हुआ है, खोज रहे हैं बाहर, मिले कैसे। इसलिए भटके ना, हकीकत को, असलियत को, वास्तविकता को पहचाने। उसके लिए करना क्या है, सपना सारा अहंकार छोड़कर विनम्रता पूर्वक उसके जो महरमी हैं, सदगुरु हैं, उनकी शरण में जाएं। सदगुरु के बिना कोई रास्ता नहीं बता सकता है। दुनिया के जितने मत पंथ हैं सब में गुरु का महत्व बताया गया है। गुरु के बिना रास्ता कौन बताएगा, गुरु ही रास्ता बताने वाला है, गुरु ही ज्ञान देने वाला है। लेकिन हम सच्चे गुरु की खोज नहीं करते। सच्चा गुरु कौन है, कुछ लोग कहते हैं हम तो गुरु उसको बनाएंगे जो हमारी जाति का होगा, कुछ लोग कहते हैं हम तो गुरु उसे बनाएंगे जो हमारी परंपरा का होगा, जिसे हमारे दादा बाबा बनाते आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि हम गुरु उसे बनाएंगे जिंगे जिसका बहुत बड़ा मठ हो, और कुछ लोग कहते हैं हम गुरु उसे बनाएंगे जिसके पास बहुत धन हो ताकि समय पर बढ़े गुरु महाराज से 2-4 हजार रुपया मांग सके।
ये सब गलत दृष्टिकोण है। गुरु वह है जिसका ज्ञान सही है और जिसका आचरण सही है। ज्ञान के नाम पर भटकाव ना हो, भ्रम ना हो, कल्पना में न पड़ा हो और जैसा कहता हो वैसा जीवन जीता हो। चरित्रवान, आचरण संपन्न, वैराग्यवान संत किस मत का है, किस परंपरा के, संप्रदाय का है, कोई मतलब नहीं। संत किसी संप्रदाय के नहीं होते। किसी संप्रदाय में वे दीक्षित हो बात अलग है, लेकिन वे किसी संप्रदाय के नहीं होते। संत तो संत है। सत्य किस संप्रदाय का है? चंद्रमा को, सूरज को, धरती, आकाश को आप किस संप्रदाय का कहोगे? हवा और पानी किस संप्रदाय का है? कौन सी जाति इनकी है? सूर्य उगा हुआ है, उससे जो जितना लाभ ले ले, जाति से क्या मतलब? पानी है, हवा है, आग है, जमीन है, उससे जो जितना लाभ ले ले, जाति से क्या मतलब? ऐसे ही सत्य किसी जाति का नहीं होता। सत्य सबका है, सबके भीतर सत्य समाया हुआ है। आवश्यकता है उसको समझने की, और समझने के लिए निष्पक्ष दृष्टि चाहिए, विनम्रता चाहिए। जो कुछ किसी से किसी ने पाया है तो विनम्र बन करके पाया है, अहंकारी बन करके नहीं पाया। विनम्र बने, झुकें, सेवा करें और तब अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। गीता में महाराज कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, दुनिया में ज्ञान ही सबसे पवित्र चीज है, तो अर्जुन ने पूछा, महाराज तो फिर ज्ञान मिलेगा कैसे, कहां जाएं? तब महाराज कृष्ण ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानिनम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। पहली बात क्या है? विनम्रता पूर्वक गुरु की शरण में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दो, समर्पण। फिर उसके पश्चात सेवा, पहले समर्पण फिर सेवा। और सेवा द्वारा जब अपना चित्त निर्मल हो जाए और गुरु प्रसन्न हो जाए तब परिप्रश्न, तब प्रश्न करो। और जब तुम प्रश्न करोगे तब ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। कहीं से कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। बिना झुके विनम्र बने अहंकार का त्याग किए कोई आज तक पा नहीं सका है। मैं तो कह रहा था भक्ति की बात, अरब खरब ले दर्व है उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले ईसव कौने काज। अरबों खरबों की संपत्ति हो और पूरी पृथ्वी पर राज्य हो, लेकिन ये सब के सब भक्ति की तुलना में नहीं तुल सकते, भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धन और राज्य से किसी के मन का क्लेश नहीं मिटा है और नहीं मिटेगा। धन जीवन गुजर के लिए आवश्यक है, उसे जीवन गुजर होता है, सुविधा मिलती है, लेकिन मन की जलन धन से कैसे मिटेगी? मन की भूख धन से कैसे मिटेगी? मन की पीड़ा धन से कैसे मिटेगी? वह तो मिटेगी जब सही ज्ञान होगा और राम धन मिलेगा तब। लेकिन रामधन ऐसे मिलेगा नहीं, ज्ञान ऐसे मिलेगा नहीं, उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा और भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति की आवश्यकता है, बिना भक्ति के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। शुरू से लेकर आखिर तक जब तक जीवन है तब तक भक्ति की जरूरत पड़ेगी।
भक्ति का अर्थ क्या है? विनम्रता। वैसे भक्ति का पहला अर्थ होता है, भक्ति शब्द भज धातु से बना है जिसका पहला अर्थ होता है सेवा करना। शब्दकोश के अनुसार भक्ति का पहला अर्थ है सेवा करना, विभाग करना, छांटना, अलग अलग करना, संवारना, बहुत सारे अर्थ हैं भक्ति के। लेकिन जो प्रचलित अर्थ है उसमें है इष्ट के प्रति अनुराग होना, पूज्य स्व अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग, इष्ट के प्रति प्रेम, यह भक्ति है। अब हमारा इष्ट कौन है, किसको हम पूज्य माने, किसकी हम पूजा करें, किसकी हम भक्ति करें, ये प्रश्न होता है। पूजनी कौन, पूजनी धन से, विद्या से, पद से कोई होता नहीं है। पूजनी वह है जिसका जीवन निर्मल है, पवित्र है, भले उसके पास धन ना हो, विद्या ना हो, चरित्र रूपी धन उसके पास हो। दुनिया में संतों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनके पास चरित्र होता है। मैं निवेदन किया करता हूं, जैसे यहां पर सत्संग हो रहा है, मान लो थोड़ा आप कल्पना करो कि इस जिले का सबसे बड़ा धनवान आदमी जिसे आप जानते हैं यहां अचानक आ जाए, पहचानते हैं आप, तो उसको देखते आप उठेंगे और आदर पूर्वक ला करके अच्छी जगह पर बैठाएंगे, उसका सत्कार करेंगे। धनवान है तो धन कारण आप उसका सत्कार करेंगे, थोड़ी खुशी होगी आपके मन में। और ये समझो इस जिले का सबसे बड़ा जो विद्वान हो वो आ जाए और आप उसे जानते हैं पहचानते हैं, तो उसे देख करके आप उठेंगे, आदर पूर्वक लाकर अच्छी जगह पर बैठाएंगे, जो बनेगा स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। और यहां का जिलाधिकारी आ जाए या यहां का सांसद आ जाए या कोई बड़ा नेता आ जाए जिसके पास बड़ा पद है, तो उसको भी देख करके आप उठ करके आदर सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन जो धनवान आया, विद्वान आया, नेता आया, आप उसका आदर किए, सत्कार किए, आप उसकी पूजा नहीं करोगे, उसका चरण नहीं छूना चाहोगे। कलेक्टर क्या मुख्यमंत्री भी आ जाता तो आप उसकी आरती नहीं उतारोगे, पूजा तो नहीं करोगे, उसका चरणोदर लेकर के पियोगे तो नहीं, भले वो मुख्यमंत्री है, प्रदेश का मालिक है, मुख्यमंत्री चरणोदर तो नहीं पियोगे। खरबपति आ जाए तो भी आप उसका चरण तो नहीं पखारोगे। धन का महत्व है, धन आपने आदर दिया, सत्कार किया, लेकिन आप उसका चरण नहीं छूना चाहोगे। लेकिन आप कल्पना करो मुख्यमंत्री बैठे हैं, सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बैठा है, बड़ा विद्वान बैठा हुआ है, इतने में खाली लंगोटी पहने एक साधु आ गया तो आप क्या करोगे? उस साधु का चरण धोओगे, उसकी भक्ति करोगे और आप उसके चरण धो करके चरणोदक लोगे। साधु के पास केवल लंगोटी है, धन नहीं है, विद्या नहीं है, पद नहीं है, उसके पास क्या है? कौन धन है? बैराग का धन, त्याग का धन है, चरित्र का धन है। और मुख्यमंत्री भी उस साधु का चरण धोएगा। तो महत्ता किसकी हुई? पद की महत्ता हुई कि धन की महत्ता हुई कि चरित्र की महत्ता हुई? जीवन आचरण की महत्ता हुई? महत्ता है जीवन आचरण की।
तो पूजनी कौन है हमारे लिए, जिनका जीवन महान है, जिनका जीवन, जिनके जीवन में विकार निर्विकार जीवन, निर्मल जीवन हम लोगों को, क्योंकि जिनका जीवन निर्मल है उनकी संगत में रहते रहते हमें भी अपने जीवन को निर्मल बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए निर्मल पुरुषों की उपासना करने की बात बताई गई है। उपासना का अर्थ होता है निकट बैठना। आग के पास बैठेंगे तो गर्मी मिलेगी, पानी के पास बैठेंगे तो शीतलता मिलेगी। इसी प्रकार जिनका जीवन निर्मल है, पवित्र है, ऐसे संतों के पास बैठेंगे तो हमें भी अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने की प्रेरणा मिलेगी। इसके बिना शांति नहीं आ सकती है। और निर्मल मन में ही, निर्मल जीवन में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि छल छिद्र दुरावन भावा। महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि निर्मल जन सोई मोहि पावा, जिनका मन निर्मल है ऐसा व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे छल छिद्र और दुराव अच्छा नहीं लगता है। तो भक्ति क्या है? भक्ति है मन का समर्पण। और भक्ति किसके लिए? निर्मल पुरुष के लिए। क्यों? अपने आप को जानने के लिए, परमात्मा के असली स्वरूप को जानने के लिए। बिना गुरु के शरण में गए परम तत्व क्या है, भगवान क्या है, मोक्ष क्या है, इसे हम नहीं जानते। हमने सुना भर है बस, भगवान परमात्मा ईश्वर ब्रह्म खुदा गाड हम सुने हैं, लेकिन वे हैं कैसे हमारा अनुभव नहीं है, हमने देखा नहीं है। इसलिए गुरु की शरण। साहब तो इसलिए कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुजन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद की, परमात्मा की वास्तविकता को बताता है। वो कहता है कि तुम बाहर भटको मत, जिसकी खोज में तुम भटक रहे हो वह तो तुम्हारे भीतर ही छिपाया हुआ, अलग थोड़े बैठा है, हमारी दृष्टि बाहर है। जैसे हम बाहर से धन पाते हैं, पद पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, खाने पीने की चीज पाते हैं, रुपया पैसा पाते हैं, ऐसे हम समझते हैं बाहर से हमें परमात्मा भी मिल जाएगा। बस गड़बड़ी यही हो जाती है। तो आप ये भी तो समझो, धन आप पाते हैं बाहर से, धन मिलता है और छूट जाता है, पद मिलता है और छूट जाता है, सम्मान मिलता है और छूट जाता है, जो भी चीज मिलती है छूट जाती है। ऐसे ही यदि परमात्मा मिलेगा तब वो भी छूट जाएगा, फिर मिलेगा तो छूटेगा, मिलने का नियम है दुनिया का। अब परमात्मा मिला और छूट गया तो फिर हम कंगाल कंगाल खाली खाली हो गए। वस्तुतः परमात्मा को पाना नहीं है, क्योंकि परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं है। सब कुछ बिछुड़ सकता है, सब कुछ खो सकता है, परमात्मा कैसे बिछुड़ेगा, परमात्मा कैसे खोएगा? परमात्मा तो आपके अंदर है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठतः। गीता में महाराज कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर तो परमात्मा तो सबके हृदय में बैठा हुआ है। साहब भी कहते हैं दिल माँ खोज, दिल ही माँ खोजो, ये है करीमा रामा। करीम और राम तुम्हारे दिल में बैठा, वही खोजो। आप स्वयं परमात्मा रूप है। घट घट में वही साईं बसता है, कटुक बचन मत बोल रहे। साहब कहते घट घट में वो बैठा हुआ है, तब याद क्यों नहीं होती? दृष्टि बाहर है। हम लोग नशे में जी रहे हैं, होश में नहीं है, जागृत नहीं है, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। हमारा नशा जब दूर होगा, किसका नशा है? धन का नशा, पद का नशा, प्रतिष्ठा का नशा, बड़ी जाति की नशा, जवानी की नशा, कुल परंपरा का नशा, साधु और महात्मा होने का नशा, महंत और गुरु होने का नशा, अनेक प्रकार के नशा। उस नशा में
हमारा जो परमात्मा तत्व है वो छिपा हुआ है। एक कहानी याद आती है, सुना होगा आप लोगों ने, मैं सुनाता हूं। एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान, बड़े प्रवक्ता, लेकिन भांग खाने की आदत। विद्वान और पंडित होना अलग बात है और आदत को छोड़ पाना अलग बात है। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी कोई ना कोई आदत में फंसे रहते हैं। तो पंडित जी को भांग खाने की आदत थी। एक दिन भांग का गोला थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा नशा ज्यादा चढ़ गया। उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी भोजन बना रही हूं, समय नहीं है, नमक खत्म हो गया, जा थोड़ा नमक ले आओ। झोला लिए पंडित जी, दुकान में पहुंचे, दुकानदार से कहे, भैया एक किलो नमक दे दो। दुकानदार ने नमक तोल दिया, कहे नहीं नहीं नहीं, एक किलो हल्दी दे दो। तो नमक छोड़कर हल्दी का तोला। तो कहे नहीं भैया, नहीं हल्दी नहीं, एक किलो चीनी चाहिए, चीनी तोला। तब कहे नहीं नहीं नहीं, एक किलो धनिया चाहिए। जब कई थोड़े थोड़े में बदला, तो दुकानदार ने कहा, क्या पंडित जी आप गधे तरीके बात करते हैं? उन्होंने कहा, तो क्या मैं गधा हो गया हूं? क्या बिल्कुल, वैसे तो गधे तरीके बात कर ही रहे हैं, अब सनक सवार हो गए कि मैं गधा हो गया। नमक मैं कुछ लिए नहीं, खाली लौटे तो एक आदमी मिल गया। उसको कहे, भैया रुको रुको रुको। तो दुकानदार कहते हैं कि तुम गधे हो गए हो, आप कैसे दिखाई पड़ता हूं? कहे पंडित जी, सचमुच में गधे हो गए हैं आप तो, अब और निश्चय हो गया कि मैं गधा हो गया। आगे बढ़े, एक दो लोग और मिले, उनसे पूछे, सब मजाक करते चले गए, सचमुच पंडित जी आप गधे हो गए। थोड़ा आगे बढ़े तो उनका मित्र मिला। उन्होंने सोचा, सब झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे, मित्र तो झूठ नहीं बोलेंगे, मित्र तो सही बात बताएगा। तो कहे, मित्र जी लोग कहते हैं कि तुम गधे हो गए हो, आप बताइए आप कैसे लगता? मित्र कहा, अरे मैं पहले पूछने वाला था कैसे कैसे हो गए, तो अब पूरा निश्चय हो गया कि मैं गधा हो गया। घर में गए, कहे पंडितानी पंडितानी, कहे क्या है, तेरे कर्म फूट गए? कहे हुआ क्या, मैं गधा हो गया। पंडितानी समझ गई कि आप भांग का नशा थोड़ा चढ़ गया है ज्यादा, नशा उतारने की दवाई दी, नशा उतरा। कहे अरे मैं तो गधा नहीं, मैं तो मनुष्य हूं, और मनुष्यों में ही पंडित हूं, विद्वान हूं। नशा दूर हुआ, अपनी विद्वता का पंडित का ख्याल हुआ। तो पंडित जी का पंडित, उनकी विद्वता कहीं गए नहीं थे, नशा कारण से दब गया था। नशा दूर हुआ, पंडित प्रकट हो गया। ऐसे ही हमारा जो भगवान है हमसे अलग नहीं है, नशा के कारण से हम उसे बाहर खोज रहे हैं। साहब कहने साखी मैंने कहे थे ना, जे खोजत कल्प हो गया घट माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते रही गई दूर। जिस मूल तत्व खोजते खोजते अनादिकाल का समय बीत गया, वो घट ही में है। अहंकार बढ़ गया है, दिखावा बढ़ गया है, पाखंड बढ़ गया है, नशा बढ़ गया है, इसलिए वो दूर जैसा लगता है। दूर नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। हम सब जगह खोजते हैं, अपने भीतर नहीं खोजते। और जब तक अपने भीतर खोजेंगे नहीं, तब तक मिलेगा भी कैसे? चीज कहीं और हो, खोजे कहीं अलग, तो मिले कैसे? आपको कपड़ा खरीदना है, कपड़ा खरीदने के लिए आप बाजार गए, लेकिन बाजार तो गए, आप गए पंसारी की दुकान पर। ओके भैया मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो। वो कहेगा, यहां यहां कहां कपड़ा है, यहां कपड़ा नहीं है, पंसारी दुकान कपड़ा मिलेगा नहीं। वहां से निकले तो चले गए सब्जी मंडी में। ओके भैया मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो। तो कहेगा भैया यहां सब्जी मिल सकती, कपड़ा कहां मिलेगा? तो आप निकले
अब चले गए लोहे की दुकान में, लोहार के पास कहे मुझे भैया मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो कहां से देगा। 4-6 दुकान में आप भटके और सब ने कह दिया कि कपड़ा नहीं है, तो अब आप ये मान लें कि मैं 5-6 दुकान में गया मुझे कहीं कपड़ा नहीं मिला, दुनिया में कहीं कपड़ा है ये नहीं है, तो दोष किसका है? क्या सचमुच में कपड़ा नहीं है या दोष आपका है? कपड़ा है, दोष आपका है कि जो गलत जगह पर जाकर के कपड़ा खरीदना चाहते हैं। कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की दुकान में आपको जाना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा पाना है तो वहां जाना पड़ेगा, वहां खोजना पड़ेगा जहां परमात्मा का निवास है। जहां आप बैठे हैं देवरी की इस धरती पर, कबीर आत्मा के प्रांगण में, यदि यहां आपको परमात्मा नहीं मिल सकता तो बद्रीनाथ केदार और प्रयागराज में भी नहीं मिलेगा, भले आप जाते रहे। प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है जहां से हम आए हुए हैं। यदि तीर्थराज प्रयाग में परमात्मा मिलता तो प्रयाग वाले द्वारका बद्रीनाथ और केदारनाथ क्यों जाते? फिर उनको तो मिल गया होता। बद्रीनाथ में परमात्मा मिलता तो वो लोग कह बाहर क्यों जाते? आप प्रयागराज जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदार जाओ, द्वारका जाओ, जगन्नाथ जाओ, गया जाओ, जहां जाओ तो वहां जाओ, उसके लिए मना ही नहीं है। लेकिन परमात्मा पाने के लिए वहां जाओगे तो धोखा खाओगे। वहां जाएं, वहां जाने से संतों के दर्शन होंगे, उनका सत्संग सुनने को मिलेगा, अपने देश के जो लोग हैं उनसे परिचय होगा, अपने देश की संस्कृति का ज्ञान होगा, देश की एकता अखंडता का ज्ञान होगा, और मन में सात्विक भावना आएगी, मन बहलेगा थोड़ा दुनियादारी से, मोह माया से मन हटेगा। इसलिए वहां जाना चाहिए, वहां जाएं, जिस तीर्थ में आपका जाने का मन हो वहां जाएं, लेकिन परमात्मा पाने के लिए ना जाएं, क्योंकि किसी तीर्थ में परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और जरूर मैं कहूंगा, जिस तीर्थ में आप जाते हैं जाए, लेकिन जाते समय ख्याल रखना पंडों से सावधान रहना, नहीं तो फिर घर आने के लिए पैसा नुकसान नहीं पड़ेगा, सब जेब खाली हो जाएगा। तो तीर्थ में जाएं, लेकिन क्यों जाएं? सत्संग के लिए जाएं, संतों दर्शन के लिए जाएं, परमात्मा पाने के लिए ना जाएं। वहां जाएंगे तो धोखा मिलेगा, क्योंकि वहां तीर्थों में परमात्मा नहीं है, वो तो आपके भीतर है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती इदम तीर्थम भ्रमंती तामसाह जना आत्म तीर्थम न जानांति कथा मोक्ष सुनो प्रिय। हे प्रिय पार्वती सुनो, तामसी लोग भ्रमिक लोग, यहां तीर्थ है, यहां तीर्थ है, यहां परमात्मा मिलेगा, यहां परमात्मा मिलेगा, ऐसा कहते हुए भटकते रहते हैं और भटकते भटकते मर जाते हैं, परमात्मा नहीं मिलता। आत्म तीर्थम न जानांति, आत्म तीर्थ को नहीं जानते, स्वयं के स्वरूप को नहीं जानते, तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा? इसलिए अपनी ओर झांके, स्वयं को समझे कि मैं कौन हूं। आत्मा को जब समझ जाएंगे तब परमात्मा की बात भी समझने में आएगी। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, समझ लेते हैं कि मैं शरीर हूं, अब ये दिखाई पड़ रहा एड़ी से चोटी तक काया, यही मेरा स्वरूप है। अरे शरीर तो पंच भौतिक खोल है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश से निर्मित है, रोज रोज बदल रहा है, एक दिन जन्मा है और एक दिन इसे मर जाना है। किसका शरीर अजर अमर रहा है? परमात्मा तो वह है जो एकरस रहता है। अब वो क्या है? आपके भीतर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है वह है। तो अपने का तो ज्ञान नहीं है, दृष्टि बाहर, इसलिए हम भटकते हैं। ये सारी बातों को जानने के लिए गुरु की शरण जाने की आवश्यकता है। धनवान के पास ये नहीं मिलेगा, गुणवान के पास नहीं मिलेगा, संत के पास मिलेगा, गुरु के पास मिलेगा।
गुरु बताते हैं कि हकीकत क्या है। इसलिए साहब कहते हैं कि भक्ति की महत्ता है। गुरु के पास गए भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो गुरु के ज्ञान पर भी विश्वास कैसे जमेगा। गुरु के पास जाएं तो अपने आप को पूरी तरह से खाली करके जाएं, अंदर कुछ लेकर के ना जाएं। और लोग क्या हैं, गुरु के पास जाते हैं तो कोई ना कोई कामना लेकर के जाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, गुरु जी आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा धन बढ़ जाएगा, हमारी खेती हो जाएगी, हमारे लड़के को नौकरी मिल जाएगी, हमारा रोग कट जाएगा, मुकदमा विजय मिल जाएगी। इस भावना से जाएंगे तो कल्याण कैसे हो, ज्ञान कैसे मिलेगा। गुरु के पास जाएं तो शुद्ध मन से जाएं, सब कामना छोड़ करके जाएं, केवल ज्ञान पाने के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने पाने के लिए जाएं। और यही नहीं हो पाता है। सबसे पहले अपने मन को कोमल बनाएं। आप जाते हैं गुरु के पास या मंदिर भी आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं वहां किसी महापुरुष की मूर्ति है और उसे भगवान मानकर पूजा करने के लिए जाते हैं, तो हमारे भारत देश में एक परंपरा है, अब बहुत बढ़िया परंपरा है, बहुत बढ़िया रिवाज है, जब मंदिर जाते हैं या किसी महात्मा के पास जाते हैं तो लोग फूल लेकर के जाते हैं, फूल का हार भी बना लेते हैं, फूल का हार लेकर के जाते हैं। अनेक बार आप मंदिर गए होंगे और मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाए होंगे, हाथ जोड़ करके विनय वंदना किए होंगे, संतों के पास गए हैं तो फूल लेकर के गए हैं। देखो यहां भी काफी फूल लेकर आप लोग आए, लेकिन फूल लेकर जाते हैं, फूल भेंट चढ़ाते हैं, इसका अर्थ क्या है, किस लिए फूल ले जाते हैं, कभी सोचा है, कभी विचारा है, बस देखा देखी करते जा रहे हैं, इसलिए कुछ अंतर नहीं होता है। फूल ही क्यों चढ़ाते हैं, कांटा कहा नहीं ले आते, धूलगर्दा कहा नहीं ले आते, कंकड़ क्यों नहीं ले जाते। अब फूल ले जाते हैं तो अर्थ भी तो कुछ होगा ना, इसका अर्थ इतना है, देखें फूल खिला हुआ होता है, कोमल होता है, बहुत कोमल होता है फूल, और सुगंधित होता है, खिला हुआ है, कोमल है, सुगंधित है। जब आप मंदिर जाएं और जिस कि वहां मूर्ति है वहां पर फूल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर विनय करें, या गुरु के पास जाए फूल जाएं तो हाथ जोड़कर विनय करें, तो ये आप कामना करें कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं आपको ये फूल चढ़ा रहा हूं, फूल भेंट दे रहा हूं, अर्पित कर रहा हूं, जैसा ये फूल खिला हुआ है, कोमल है, सुगंधित है, आप कृपा करें कि मेरा जीवन भी ऐसा खिला हुआ, कोमल और सुगंधित बन जाए। फूल चढ़ाने का यही अर्थ है। लेकिन यह बात कभी आज तक मन में नहीं आई होगी, इसलिए मन बदला भी नहीं। अब यदि फूल खिला हुआ है तो हमारा जीवन कब खिलेगा, जब अहंकार और काम स्वार्थ दूर हो जाएंगे तब जीवन खिलेगा, कर्ता दूर हो जाएगी तब जीवन कोमल बनेगा, और सारे मनोविकार दूर हो जाएंगे तब जीवन सुगंधित बनेगा। भक्ति का यही अर्थ है। भगवान की भक्ति करने का अर्थ क्या है, जैसे भगवान पवित्र है ऐसे ही हमारा जीवन भी पवित्र बने। गुरु की भक्ति करने का अर्थ है जैसे गुरु का जीवन पवित्र है ऐसा ही हमारा जीवन भी पवित्र बने। जो पवित्र है वही तो गुरु है। लेकिन ये भावना कहां होती है, जब भक्ति अत्यंत विनम्रता होगी, सब प्रकार से समर्पण भाव होगा तो ये आएगा।
अब बिना मन की पवित्रता के किसी को जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। सारी कड़ता को दूर करें। कल मैंने कहा था आपके घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष जो भी हो, सुबह नींद खुलते ही आप ये समझें कि मेरा घर देव मंदिर है। और घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं, नर नारी हैं, ये भगवान भगवती भक्ति की शुरुआत आप अपने घर से करें। केवल मंदिर में भक्ति कर लिए, मठ में जाकर गुरु साहब ने भक्ति कर लिया, घर में भक्ति नहीं हुई, घर में मन विनम्र नहीं बना, पवित्र नहीं बना, मन में अहंकार है, कर्ता है, तो मंदिर की भक्ति काम नहीं करेगी। पूरा जीवन भक्ति में कहीं भी आप जाएं, कोमलता पूर्वक व्यवहार, कोमलता पूर्वक बात। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, घट घट में वही साई बतत है, कटु वचन मत बोल रहे। बस एक काम आप कर लें, एक सुधार लें, घट घट में परमात्मा बत रहा है। इसलिए संकल्प कर लें, प्रतिज्ञा कर लें कि आज से मैं किसी के साथ कटु वचन नहीं बोलूंगा। कटु वचन नहीं बोलेंगे तो क्या काम बिगड़ जाएगा, आपका खेती रुक जाएगी, नौकरी क्या रुकेगा। कटु वचन नहीं बोलेंगे तो हर काम बढ़िया बनेगा। दुर्भाग्य कि आदमी प्रेम का वचन नहीं बोल पाता, कटु वचन बोलने में हर आदमी आगे है। इसलिए तो कला है, इसलिए तो दुख है, इसलिए तो अशांति है। दुनिया नरक क्यों बनी हुई है? इस कटु वचन और अहंकार के कारण ही। साहब कहते हैं, घट घट में वही साई बतत है। जिस परमात्मा को खोजते हो वो तो घट घट में बस रहा है, उसकी पूजा है, उसकी भक्ति है। कटु वचन का त्याग क्या जाता है इसमें? आप किसी को कुछ और दे पाए या न दे पाए, मीठी वाणी तो दे सकते हैं। अब जो आदमी किसी को मीठी वाणी भी नहीं दे सकता, किसी से प्रिय वचन में मीठे शब्दों बात नहीं कर सकता, उससे बड़ा दरिद्र और कौन होगा? दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र आदमी है जो हमेशा कट वचन में बात करता है, डांट करके बात करता है। क्या लगता है इसमें? पैसा नहीं लगता, धन नहीं लगता, समय नहीं लगता, शक्ति नहीं लगती। बात तो ही करें, चाहे कटु वचन बोलो चाहे प्रिय वचन बोलो, दोनों में समय लगेगा, शक्ति लगेगी। लेकिन कटु वचन बोल करके आपका भी मन दुखी आसान, सुनने वाले का भी मन दुखी आसान। प्रिय वचन बोल करके आपका भी मन सुखी आसान, सुनने वाले का। इसलिए साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। इसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत थोड़े है, धन की जरूरत थोड़े है, पद की जरूरत थोड़े है, रोज बोलते हैं। तो शुरुआत अपने घर से, भक्ति की शुरुआत अपने घर से करें। जितने सदस्य घर में हैं, सब देवी देवता भगवान भगवती है, और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार, मीठे वचन में बात, ये पहली भक्ति है। अब घर में यदि विनम्रता नहीं है, घर में भक्ति नहीं है, मंदिर में भक्ति क्या करेंगे? केवल दिखावा होगा, और हम लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। परिवर्तन इसीलिए नहीं होता है। तो साहब कहते हैं, अरब खरब की संपत्ति हो, पूरी दुनिया का राज्य हो, भक्ति के बराबर नहीं कर सकते ये। भक्ति से ही कल्याण मिलेगा, भक्ति ही मुक्ति की सीढ़ी है, भक्ति ही मुक्ति की निशेनी है। भक्ति निशेनी मुक्ति की चढ़े संत सब धाय। साहब कहते हैं, भक्ति मुक्ति की निशेनी है। जो भक्ति करना नहीं जानता, सेवा करना नहीं जानता, जिसके मन में समर्पण भावना नहीं है, वो मुक्ति क्या पाएगा? भक्ति से ही ज्ञान पैदा होता है, भक्ति से ही वैराग्य पैदा होता है,
और जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों इकट्ठे हुए वहीं तो मोक्ष मिलेगा, वहीं कल्याण मिलेगा। बिना भक्ति के ज्ञान किसी को नहीं मिल सकता, बिना भक्ति के किसी के मन में वैराग नहीं होगा, परमात्मा नहीं मिल सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए जीवन को भक्तिमय बनाए। वैसे आदमी भक्ति करता है, दुनिया में एक भी आदमी नहीं है जो भक्ति ना करता, भक्ति सब करते हैं। हाँ, लेकिन प्रश्न अलग है कि कौन किसकी भक्ति करता है। कोई बीड़ी की भक्ति करता है, कोई तंबाकू की भक्ति करता है, कोई युवक भक्ति करता है, कोई शराब की भक्ति करता है, कोई और किसी भक्ति करता है। भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन बीड़ी की भक्ति करते रहोगे तो कल्याण थोड़े मिलेगा। बहुत बड़े भगत हैं, सुबह शाम मंदिर जाएंगे लेकिन भक्ति, लेकिन बीड़ी छूटी नहीं है। मंदिर गए, वहां जाकर के भगवान की मूर्ति के सामने अगरबत्ती जला लिए, और जब मंदिर निकले तब अगरबत्ती मुंह में चली गई। ये कौन सी भक्ति है? उसी मुख से राम कहते हैं, उसी मुख से गुरु पीर कहते हैं, उसी मुख से रहीम कहते हैं, उसी मुख से भगवान का जप करते हैं, और उसी मुख में बड़े प्यार से तंबाकू दबा लिए। राम नाम मन दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो जो चाहत उजियार। ये मुख ही तो राम का दरवाजा है, इसी तो हम कहते हैं राम गुरु पीर भगवान परमात्मा देवी देवता, यही तो दरवाजा है। अब इस दरवाजे पर गंदी चीज ले आकर डाल दिए, तंबाकू ले आए, गुटखा ले आए, पता नहीं क्या क्या ले आए, तो ये भक्ति से काम नहीं बनेगा। तंबाकू की भक्ति करते करते जीवन बीत जाएगा, केवल बीमारी आएगी, पैसे बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी, स्वास्थ्य की बर्बादी होगी। लेकिन गुरु की भक्ति करो तब, लोगों भक्ति करो तब, तब तो कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए जीवन को भक्तिमय बनाए, कोमल बनाए, पवित्र बनाए। जितना हमारे जीवन में विनम्रता आएगी, समर्पण भावना होगा, उतना ही हमारे जीवन में परमात्मा का अनुभव होता जाएगा, भगवान का अनुभव होता जाएगा, मोक्ष का अनुभव होता जाएगा। कल्याण का रास्ता ही यही है। कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाणता कहते हैं, जिन लोगों ने निर्वाण पद को खोजा वे कुल परंपरा सब की मर्यादा सबका अहंकार छोड़ दिए। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं सब भक्ति के पद पर चल करके ही महान हुए हैं। इसलिए भक्ति के पद पर चलें। अब भक्ति के पद पर चलने का अर्थ क्या है? सब के प्रति कोमल भाव। गोस्वामी जी ने कहा है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सारा संसार सिया राम मैं है। तो करना क्या है? करो प्रणाम जोर युग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। जब सारा संसार सिया राम मैं है तो धोखा किसको दे रहे हो? हम केवल जबान से कहते हैं संसार सिया राम मैं है, व्यवहार में वो हमारी बात उतर नहीं पाती है। मंदिर में जाते हैं, वहां एक मूर्ति रखी है किसी महापुरुष की, वहां जाकर बहुत प्रेम से विनय वंदना कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, और वहां तो भक्ति किए, पूजा किए, आरती किए, दुकान पर गए तो चने में कंकड़ मिला दिए, घी में डालडा मिला दिए, भक्ति किए, खूब भक्ति किए, खूब भक्ति किए, खूब भक्ति किए भगवान की, और दफ्तर में गए तो बिना घूस लिए काम नहीं करना है। ये कौन सी भक्ति है? असली भक्ति तो दुकान पर है, असली भगवान आपके दुकान पर आया हुआ है। आप दुकानदार हैं तो ये समझें कि मेरी दुकान में जितने ग्राहक आ रहे हैं सब भगवान भगवती आ रहे हैं, मुझे सेवा करने का सुंदर अवसर मिला हुआ है, उचित सम्मान दो,
उचित मुनाफा लो, क्योंकि मुनाफा नहीं लोगे दुकान चलेगा, जीवन कैसे चलेगा। मुनाफा लेने के लिए, जीवन चलाने के लिए दुकान कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ मुनाफा तो लेना पड़ेगा। तो उचित मुनाफा लो, लेकिन उचित सामान भी दो। दो नंबर का सामान न दो, मिलावटी सामान मत दो। दफ्तर में जाते हैं आप, ऑफिस गए तो ये समझे कि यहां काम करवाने के लिए जितने लोग आए हैं सब भगवान भगवती है, मुझे सेवा करने का सुंदर अवसर मिला हुआ है, प्रेम से उनका काम करें। लेकिन तनख्वाह बड़ी लंबी लंबी बहुत बढ़ गई है, अफसर और क्लर्क बिना घूस लिए काम नहीं करेंगे, और दिन भर घूस लेंगे और शाम के समय जाकर के कहेंगे भगवान क्षमा करना। भगवान क्या करेगा इसमें, भगवान का दोष है क्या? आप पाप पर पाप करते जाओ और भगवान को आपने ठेका दे रखा, भगवान आपके पाप को क्षमा कर देगा। भगवान को ऐसे धोखा मत दो, सब जानता है वो। इसलिए सही भगवान को समझें। सारा संसार भगवत रूप है, सारा संसार देव मंदिर है, सबके प्रति भक्ति भावना, सबके प्रति कोमलता का व्यवहार, सच्चाई का व्यवहार, कर्ता त्याग करके विनम्रता पूर्वक व्यवहार, ये भक्ति का असली स्वरूप है। और जब ये भक्ति जीवन में आएगी तब आगे विकास होगा, तब ज्ञान और वैराग्य पद पर चढ़ेंगे और तब जीवन में परम शांति और मोक्ष का अनुभव होगा। और जिस परमात्मा को हम खोज रहे हैं, जिसके लिए भटक रहे हैं, उसका भी अनुभव इसी जीवन में हो जाएगा। इसलिए सबको, स्त्री पुरुष छोटे बूढ़े बालक साधु गृहस्थ, सबको सारे कृपा अहंकार स्वार्थ त्याग कर जीवन को कोमल बनाना चाहिए और भक्ति के पथ पर चलना चाहिए, ताकि परम गति मुक्ति का अनुभव हम कर सके। आप लोग धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी के यहीं पर विराम देता हूं।